हाय, मैं हूँ अनुपा और आज हम बनाते हैं बच्चों की एक फेवरेट डिश. लेट्स मेक पटेटो वेजेस, बट नॉट जस्ट प्लेन सिंपल पटेटो वेजेस. हम बनाते हैं हनी चिली पटेटोज, तो उसको थोड़ा सा चटपटा टेस्ट दे देंगे. कैसे करेंगे, लेट्स वॉच. एक कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है. ये किसके लिए हम गर्म कर रहे हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू फ्राई द वेजेस. जो बाजार में रेडीमेड फ्रोजन पटेटो वेजेस जो मिलते हैं वो आपको लेने हैं और इसे हमें फ्राई कर लेना है गरम तेल में. एक्चुअली ये जो आलू है ना, ये फ्रोजन होता है, ठंडा ठंडा होता है. तो अब अगर आप ठंडा आलू तेल में डालोगे जो कि गर्म है, तेल का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा. तो इसके लिए तेल का टेम्परेचर ऑलरेडी हमें हाई रखना होगा, गर्म रखना होगा तेल को, ताकि जब हम इसमें आलू डालें तब ये तुरंत फ्राई होना शुरू हो जाए और इन नो टाइम इट शुड टर्न नाइस क्रिस्प एंड गोल्डन इन कलर. तो तेल जो है वो गर्म हो गया है और वन पीस एक एक डाल देते हैं इस तरह से. कढ़ाई की कैपेसिटी से ज़्यादा आलू इसमें ना डालें, नहीं तो ये सारे एक दूसरे को चिपक जाएंगे. और ये सारा फ्राइंग प्रोसेस में तेल जो है हमेशा गर्म होना चाहिए और जो गैस की फ्लेम है वो एकदम फुल होनी चाहिए. अगर आपके पास घर में एयर फ्रायर हो तो आप यही आलू को एयर फ्राई कर सकते हो. एयर फ्रायर में भी क्रिस्प होता है. उसके बाद यू कैन देन मेक द हनी चिली पटेटो. वो कैसे करेंगे हम इसके बाद देखेंगे. आई थिंक इन अबाउट 2 more minutes ये पूरी तरह से फ्राई हो जाएगा. जब तक ये आलू फ्राई हो रहा है, मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि इस रेसिपी वीडियो में मैं आपको एक सवाल पूछने वाली हूँ जिसका जवाब आपको देना है कॉमेंट सेक्शन में. और आप में से लकी 5 winners को मिल सकता है टाटा संपन्न की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग केयरफुली, बिकॉज सवाल कभी कभी ट्रिकी भी हो सकता है. पर अगर आप इस वक्त देखा जाए तो ये जो आलू है ये ऑलमोस्ट हो चुका है. लुक एट द कलर, वाओ. तो ये आलू के पीसेस को हमें तेल में से निकाल लेना है और जो एक्सेस ऑयल है वो भी निकाल लेना है. तो एक और पैन ले लेते हैं जिसमें हम ये आलू के पीसेस को टॉस करेंगे. पर मुझे बस एक चीज़ यहाँ पे लगती है कि जो वेजेस है ना, इसमें से कुछ पीसेस बड़े हैं, कुछ पीसेस छोटे हैं. तो जो बड़े हैं उसे हम काट लेते हैं. लेट्स कट इट इनटू 2. जो बड़े पीसेस हैं उसे ही काट लीजिए, छोटे पीसेस को बिल्कुल वैसे ही रहने दीजिए. पैन भी गर्म हो गया है. पैन में हम ले लेते हैं थोड़ा सा तेल, लिटिल बिट ऑफ ऑयल. और जैसे चाइनीज स्टाइल वेजिटेबल्स होते हैं, या वेजिटेबल हॉट गार्लिक या हनी चिली वेजिटेबल्स, हनी चिली चिकन, उसी स्टाइल का हम सॉस बनाएंगे और उसी में हम इसे टॉस करेंगे. शुरुआत कर लेते हैं थोड़ा गार्लिक से, लिटिल बिट ऑफ गार्लिक. और उसके साथ हम डालेंगे इसमें फाइनली चॉप जिंजर, सम स्प्रिंग अनियंस. और ये सब जो है ना, इसे एक बार बस लाइटली ऑयल में इस तरह से हम सौटे कर लेते हैं. और अब हम डाल देते हैं इसमें ये फ्राई किए हुए आलू के पीसेस. कॉकटेल पार्टीज हो या कोई किटी पार्टी, उसमें ना ये स्नैक जो है एफर्ट इसमें कम लगता है और टेस्ट इज जस्ट टू गुड. अभी फिलहाल हमने इसमें ना हनी डाला है ना हमने इसमें चीनी डाला है, दोनों चीज़ें हमें इसमें डालनी है, बट वन आफ्टर दी अदर. चिली तो अब इसमें डाल देते हैं. चिली, चिली विल बी इन 2 forms. एक हम डालेंगे थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा हम डालेंगे रियल स्पाइस. रियल स्पाइस वुड बी इन फॉर्म ऑफ रेड चिली पाउडर. ये जो मैं रेड चिली यूज़ कर रही हूँ ना, इज़ द बेस्ट रेड चिली बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द गुंटूर रीजन. और ये जो चिली पाउडर है ये बनती है गुंटूर चिली से. स्पाइसी होती है बट इट्स जस्ट नीडेड फॉर दिस रेसिपी. तो चिली तो इसमें आ गई, चिली फ्लेक्स डाल दिया, चिली पाउडर डाल दिया. अब डालते हैं थोड़ा सा चिली सॉस. ये जो चिली सॉस है ना, ये ज़्यादा खट्टा होता है, तीखा कम होता है, पर इसमें एक वो चाइनीज़ वाली टेस्ट आ जाती है, जो इंडो चाइनीज टेस्ट हमें सबको जो पसंद है. यू विल गेट ऑल ऑफ दैट व्हेन यू ऐड दिस चिली सॉस. अब इसमें हम डाल लेते हैं ये स्प्रिंग अनियंस, ये स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स, बिकॉज अब तक इसमें ग्रीन कलर की जो कमी महसूस हो रही थी ना वो अब पूरी हो जाएगी. और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया. एंड नाउ कम्स द हनी, बट हनी ज्यादा नहीं डालेंगे, जस्ट अ टच ऑफ हनी. और अब हम डालेंगे लास्टली इसके अंदर थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा, बिकॉज देर आर मेनी थिंग्स इन दिस विच हैज
salt. जैसे chili sauce में नमक है, आलू की जो हमने wedges use की है उसमें भी नमक है. So नमक एकदम थोड़ा सा डालेंगे, just a little bit. That's it. And इसे फिर एक बार mix करेंगे इसी तरह से. That's it. So आलू अगर आप देखो तो पूरी तरह से मसालेदार हो गया है. इसके अंदर हमने सब कुछ डाल दिया है and it's completely ready. And let's now serve this. और सर्व करते करते मैं आपको कॉन्टेस्ट क्वेश्चन पूछूंगी. इसके अंदर हमने जो स्पाइस डाला है, वी एडेड इन थ्री फॉर्म्स. वन इज चिली फ्लेक्स, वन इज चिली सॉस. व्हाट वाज द अदर स्पाइस दैट वी एडेड टू दिस टू मेक इट स्पाइसी? आपको बताना है और आप में से लकी फाइव विनर्स को मिल सकता है टाटा संपन्न की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर. Let's put some spring onions. So that's it from me for today. अगले बार के लिए और exciting recipes मैं लेके आऊंगी just for you. So stay tuned and keep watching our recipes. And at the same time, don't forget to like, share and subscribe.